हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र पार्ट 1 से अर्थशास्त्र का स्वभाव प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के पश्चात उसके स्वभाव का विश्लेषण आवश्यक है। इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक विज्ञान और दूसरा कला। विज्ञान से तात्पर्य किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से है। इसके विपरीत कला नियमों की वह प्रणाली है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के उपाय बतलाती है। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला। ज्ञान की दो शाखाएं बताई गई है, एक कला तथा दूसरा विज्ञान। पुनः विज्ञान को हम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, विज्ञान का आशय किसी विषय के उस क्रमबद्ध ज्ञान से है जो कारण व परिणाम का विवेचन करता है तथा नियमों का निर्धारण करता है। अर्थशास्त्र इस दृष्टि से एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। इन विभागों में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के कारण और परिणामों का क्रमबद्ध अध्ययन तथा नियमों का निर्धारण किया जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न उपयोगों का सर्वेक्षण, समयांकों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के नियम भी सर्वव्यापी हैं जो कारण और परिणाम की व्याख्या करते हैं, जैसे मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता, हास्य नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, कर्मागत उत्पत्ति, हास्य नियम आदि। ये सभी देशों में लागू होते हैं। नियमों का प्रशिक्षण मुद्रा के मापदंड के द्वारा किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और ये मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील है तथा मुद्रा का मापदंड भी अनिश्चित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के बहुत से नियम वैज्ञानिक नियमों के समान सही नहीं है। इन तथ्यों के उपरांत भी आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं और कुछ अर्थशास्त्री इसे वास्तविक विज्ञान मानते हैं और कुछ आदर्श विज्ञान। सबसे पहले हम वास्तविक विज्ञान का अर्थ समझेंगे। वास्तविक विज्ञान से आशय उस विज्ञान से है जो वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है, अच्छाई बुराई का निर्णय नहीं लेता। इसमें कारण और परिणामों से संबंध स्थापित किया जाता है लेकिन इसके द्वारा मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। नंबर दो में पढ़ेंगे आदर्श विज्ञान का अर्थ। आदर्श विज्ञान से आशय उस विज्ञान से है जो अच्छाई बुराई के बारे में मार्गदर्शन देता है और निश्चित आदर्श और लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा क्या करना चाहिए यह बताता है। अर्थशास्त्रियों में इस विषय में भी मतभेद है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है? वास्तविक विज्ञान के पक्ष में हम तर्क पढ़ेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स तथा अन्य साथी अर्थशास्त्र को शुद्ध वास्तविक विज्ञान मानते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र का आधार तर्कशास्त्र और यह वस्तु स्थिति का अध्ययन करके कारण और परिणाम में संबंध बतलाता है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। नंबर एक, अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र पर आधारित है। तर्कों की सहायता के कारण और परिणामों में संबंध स्थापित हो जाता है और यह विदित हो सकता है कि किस कार्य का क्या परिणाम होगा, क्या होना चाहिए के बारे में मौन रहता है। नंबर दो, संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ। अर्थशास्त्री सारे कार्य नहीं कर सकते, अतः उन्हें विषय में वास्तविक स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, मार्गदर्शन या सुझाव देने का कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, प्रगति में बाधक। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मान लिया जाए तो क्या होना चाहिए कि खोज में अनेक वाद विवाद उत्पन्न होंगे, अतः अर्थशास्त्र की प्रगति रुक जाएगी। नंबर चार है, भ्रमपूर्ण स्थिति। रॉबिन्स का कथन है कि अर्थशास्त्र द्वारा मार्गदर्शन देने पर भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वैज्ञानिक
आधार कमजोर हो जाएगा। नंबर 5, दक्षता में कमी। अर्थशास्त्र में तो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। यदि यह अच्छाई बुराई के संबंध में सुझाव देने लग जाएगा तो सारे कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके समर्थकों का कथन है कि अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है, अर्थशास्त्री निर्णायक होता है, सलाह देने वाला नहीं। अर्थशास्त्री केवल तथ्यों का अध्ययन, साधनों की खोज तथा व्याख्या करते हैं। सीनियर का कहना है कि अर्थशास्त्र को सलाह के रूप में एक भी शब्द कहने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्यों है? आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क। प्रोफेसर पीगू तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्री का कहना है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। इसके समर्थक में वे निम्न तर्क देते हैं। नंबर 1, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हम किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु करते हैं। यदि तटस्थ हो जाए तो इसका अध्ययन नीरस और फीका हो जाएगा। हाल ही में नोबल पुरस्कार तथा भारत रत्न से अलंकृत अर्थशास्त्री डॉक्टर अमृत सेन ने गवेषणात्मक अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है। नंबर 2, मनुष्य तार्किक और भावुक दोनों होता है। मनुष्य में भावनाएं एवं तर्क दोनों होते हैं। एक के बिना दूसरे का महत्व अपूर्ण है। हमें दोनों का ही अध्ययन करना चाहिए ताकि हम तर्कसंगत और भावुक दोनों ही गुणों से परिपूर्ण हो सकें। नंबर 3, विभाजन दोषपूर्ण। अर्थशास्त्र के कारण और परिणाम के संबंध स्थापित करने का कार्य अर्थशास्त्री को और निर्णय देने का कार्य राजनीतिज्ञ और नीति शास्त्री को करना चाहिए। यह विभाजन भी दोषपूर्ण है। इसमें समय तथा शक्ति दोनों का ही अपव्यय होता है। नंबर 4, साम्य केवल साम्य है, यह धारणा गलत है। प्रोफेसर रॉबिन्स का यह तर्क है कि साम्य केवल साम्य है गलत है। देश में बेरोजगारी बढ़ने पर सरकार कुछ नहीं करे तो यह उचित नहीं होगा। नंबर 5 है, आर्थिक नियोजन एवं औद्योगिक विकास। वर्तमान युग आर्थिक नियोजन का युग है। इसमें देश के सर्वांगीण विकास के लिए तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास होना अनिवार्य है। अर्थशास्त्र समाज की प्रगति का एक अंग होने के कारण समाज रूपी रथ को विकास के पद पर अग्रसर करने में पूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है जिसका संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है। इस प्रकार प्रोफेसर पीघू और उनके सहयोगी अर्थशास्त्र को एक आदर्शवादी विज्ञान मानते हैं क्योंकि ऐसा करने पर ही वह फलदायी विज्ञान बन सकता है। इन तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र ना तो केवल वास्तविक विज्ञान है और ना ही केवल आदर्श विज्ञान। इसमें तो दोनों पहलुओं का समावेश होना अनिवार्य है। आगे हम अर्थशास्त्र को कला के रूप में पढ़ेंगे। प्रोफेसर किन्स के शब्दों में, कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। अर्थशास्त्र एक कला भी है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक नीतियां बनाकर उन्हें आदर्श रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत के श्रमिकों की कुशलता क्या है, क्या होना चाहिए तथा कुशलता में वृद्धि कैसे हो सकती है। इन उपायों अथवा साधनों का प्रयोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान सिद्धांतों का निरूपण करता है, तो कला उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। अर्थशास्त्र में आदर्श आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपयोग में आने वाले साधनों का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला है, दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है, इस बारे में अब हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र एक वास्तविक और आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ ही कला भी है। कला एक पुल के समान है जिसके माध्यम में वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों मिलते हैं। प्रोफेसर चैपमैन के शब्दों में, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक विषयों के वास्तविक रूप का अध्ययन करता है।
तो आदर्श विज्ञान के रूप में यह बताता है कि आर्थिक विषय किस प्रकार से होना चाहिए, और कला के रूप में यह उपायों की खोज करता है जिनके द्वारा आवश्यक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। यह गरीबी, बेकारी जैसे सामाजिक बुराइयों का कारण, परिणाम एवं उन्हें दूर करने के उपाय भी बताता है। अतः यह विज्ञान एवं कला दोनों है। निष्कर्ष रूप में हम चैपमैन से सहमत हैं जो कि कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक ज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करता है। आदर्श विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार के होने चाहिए का अध्ययन करता है, तथा कला के रूप में इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के साधन तथा माध्यम का भी अध्ययन करता है। आगे हम अर्थशास्त्र की सीमाएँ पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में जिन बातों का अध्ययन किया जाता है वे उसकी सीमाएं हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, साधारण सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में सामाजिक व साधारण व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं। साधु, सन्यासी, चोर, कंजूस व्यक्तियों का अध्ययन इसमें शामिल नहीं किया जाता। नंबर दो, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र में केवल साधारण मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। नंबर तीन, विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र को विज्ञान तथा कला दोनों ही माना है। नंबर चार, सामाजिक नियम। आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की तरह सभी स्थान तथा सभी परिस्थितियों में मान्य नहीं होते। नंबर पाँच, मानवीय क्रियाएं। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्य जीवधारियों का नहीं। नंबर छः, वास्तविक व्यक्ति। अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक व्यक्ति की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक व्यक्तियों की क्रियाओं का नहीं। अर्थशास्त्र की व्यापकता। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र की व्यापकता। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक रूप देकर उसकी सीमा को भी विस्तृत बना दिया है। ये निम्नानुसार है। नंबर एक, सभी मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह सामान्य हो या असामान्य। नंबर दो, समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र में समस्त मानवीय क्रियाओं के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। नंबर तीन, विज्ञान है। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, कला नहीं। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।